आधार पे जीते हैं और भावनाओं के आधार पे जीते जीते भावनाएं उन्हें ऐसे ग्रसित कर लेती हैं, ऐसे पकड़ लेती है कि भावनाओं का होने वाला नर्वस सिस्टम पर इफेक्ट उनके भीतर ही भीतर सुसाइड टेंडेंसी की निर्मिति करता है। इसलिए इन सबसे बचना हो तो कलाकार को भी, भले ही वो ज्ञान में हो, पर भले ही वो कला में हो, फिर भी कलाकार को भी बीच बीच में सत्संग करना जरूरी है, थोड़ा ज्ञान चर्चा करनी जरूरी है, ज्ञान में जीना जरूरी है। मैंने खुद अपने आंखों से देखा है, जो 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 कलाकार संतों के आश्रित होकर अपनी कला प्रस्तुत करते हैं ना, वो जीवन में कहीं पहुंचते हैं। अनेकों लोगों के इंटरव्यू मैंने सुने हैं, अनेकों लोगों के इंटरव्यू सुने हैं जिस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैं इन गुरु के पास जाके सीखता था, मैं इन गुरु ने मुझे ये आशीर्वाद दिए, उन गुरु ने मुझे, बड़े बड़े संतों के आशीर्वाद के माध्यम से कलाकारों ने भी अपने भावनाओं पर विजय प्राप्त किया है, क्योंकि फिर लेफ्ट ब्रेन का अच्छे से समतोल साधा है ज्ञान के माध्यम से। इसलिए कथा की रचना ऐसी की है कि व्यक्ति जो कोई आता है और कथा में बैठता है ना, उसके राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन का अच्छे से पोषण होता है, बैलेंस होता है, अच्छे से बैलेंस होता है। इसलिए कथाएं जरूरी है। अगर आपको कोई पूछे क्यों बैठना है कथा में, तो देखो एक ही, मैं तो बार बार, जैसे इंजीनियरिंग कॉलेज में जब जब या फिर मेडिकल कॉलेज में जब जब मुझे अच्छा लगता है युवा बच्चों के साथ बैठना और युवाओं के साथ कुछ शेयर करना, एक्सपीरियंस कुछ अपना बताना, जब उनके साथ मैं बैठती हूँ ना, तो बार बार यही कहती हूँ कि इंजीनियर अगर हो तो, मैं कहती हूँ दिन भर मशीन देख देख के इंजीनियर खुद एक मशीन हो जाते हैं, और दिन भर पेशेंट देख देख के डॉक्टर रात को खुद पेशेंट हो जाता है। सही बात है कि नहीं? जो देखोगे वही बन जाओगे। दिन भर मशीन देख देख के इंजीनियर खुद मशीन हो जाता है, डॉक्टर दिन भर पेशेंट देख देख के रात को खुद पेशेंट हो जाता है। कहाँ है बैलेंस? एक एक दिशा में चल रहे हैं, बैलेंस कहाँ साधोगे? केवल तर्क में अगर घिरे रहोगे तो जीवन कैसे हो जाएगा पता है? वो देखो चेहरे कैसे लोगों के होते हैं, घूमते हैं, हंसने के लिए तैयार ही नहीं, मानो किसी ने ठान लिया होगा मरूंगा पर मुस्कुराऊंगा नहीं, मुस्कुराने के लिए तैयार ही नहीं होते, प्रसन्न रहने के लिए तैयार ही नहीं होते। देखो तो ऐसा लगता है कि मनो रो रहे हो, तो कहते नहीं नहीं इनका रोना है कि हंसना है पता ही नहीं चलता, आदत नहीं रही ना। और अगर कलाओं में है, बहुत सारी कलाओं में जीते हैं, तो भावनाओं के उतार चढ़ाव से, क्योंकि कलाकारों को कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर उसे गाना है, गाते समय भैरवी गाना है, तो उसको उस वेदना को महसूस करके लोगों तक पहुंचाना पड़ेगा, तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। कलाकार को भावनाओं से गुजरना ही पड़ता है। पर जब जब आप निजी साधना में हो ना, तो आप थोड़ा सा ध्यान कर लिया करिए, तब आप थोड़े सत्संग में बैठ लिया करिए, थोड़ा सा सत्संग मिलना एक अलग बात है और सत्संग में बैठना एक अलग बात है। सत्संग हमारे भी बैठना ये और बड़ी बात है। जैसे ये जो लोग होते हैं ना, जो कुछ वाद्य बजा लेते हैं, कुछ ऑपरेट करते हैं, साउंड सर्विस, इनको सत्संग मिल जाता है, बाय कोई इंसिडेंस इनको सत्संग मिल जाता है। सत्संग मिलना एक अलग बात है, उसमें रुचि निर्माण होना एक अलग बात है, सत्संग में बैठना एक अलग बात है, और सत्संग हमारे भीतर बैठना ये और एक बात है।